फेस्टिवल्स तो हम सभी लोग मनाते हैं, फिर चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, बैसाखी हो या वो क्रिसमस, तो उसके पीछे की हमको वजह भी मालूम रहती है कि उस दिन कृष्ण का जन्म हुआ है या जन्म हुआ है जीसस क्राइस्ट का, उस दिन कंस मारा गया या मारा गया रावण। तो ऐसे में महीना चल रहा है फरवरी का, दिन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, तो साथ ही साथ एक नाम निकल के आता है जिसमें हम बोलते हैं उसको वैलेंटाइंस डे। तो भाई ये क्यों मनाते हैं हम लोग, इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों इसकी डेट यही चुनी गई है, क्यों इसका नाम भी चुना गया है? तो आप इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय, आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बचपन में हम लोगों ने ऐसे वगैरह तो बहुत सारे लिखे होंगे, उसमें एक लाइन बड़ी कॉमन सी रहती थी कि हम इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, प्यार से मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं वैसे मनाते हैं। तो भाई इस फेस्टिवल को भी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ऐसे मनाते हैं वैसे मनाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मनाते हैं। तो ये बात है रोम की सेंचुरी 3rd में। तो सेंचुरी 3rd में वहां शासन चल रहा था क्लेडियस 2nd का, जिनको एक रिसर्च में पता चला, रिसर्च क्या एक तरीके की वहां की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये पता चला कि जो वहां के जो सोल्जर्स हैं उनमें से जो मैरिड हैं उनके पास कम ताकत होती है उनके मुकाबले जो कि अब तक सिंगल है, जिसके चलते क्लेडियस 2nd ने इस चीज पर बैन लगा दिया कि अब कोई भी सोल्जर शादी नहीं करेगा। तो भाई ये सोल्जर्स को भी बुरा लगा, बुरा क्या, बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी उनके लिए। साथ साथ एक प्रीस्ट थे उनके नाम था सेंट वैलेंटाइन, तो उनको भी चीज बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस चीज का विरोध करने के लिए छुप छुप कर लोगों की शादी करवाते रहे अपने चर्च में। तो ये चीज एक दिन क्लेडियस 2nd को मालूम पड़ गई, तो उन्हें जिसके चलते जो प्रीस्ट थे जो सेंट वैलेंटाइन थे उनको बंद करवा दिया जेल में। तो जेल में गए तो जिस जेल में उनको बंद किया गया, उस जेल का जो जेलर था उनकी बेटी भी कभी कभी जेल में आती थी साथ में उनके, जिसके चलते उनको उस बेटी से प्यार हो गया, सेंट वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से प्यार हो गया, जिसके चलते उन्होंने उसको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक फ्रेज लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जिसके चलते ही उस फ्रेज को इतना पॉपुलैरिटी मिली कि वो फ्रेज आज भी यूज किया जाता है फ्रॉम योर वैलेंटाइन। ये वैलेंटाइन वर्ड कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं, ये एक नाम था पहले जिसको आजकल हम लोग ऐसा पार्टनर जो जिससे हम लोग प्यार करते हैं उसको वैलेंटाइन बोलने लगे हैं। तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई क्योंकि उन्होंने सिर्फ वैलेंटाइन लिखा था तो वो फ्रेज हम आज भी यूज करते हैं। और 14 फरवरी को उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी की या फिर उनको मौत की सजा दी गई थी, जिसकी वजह से 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो ये थी इसके पीछे की सबसे खतरनाक या दर्दनाक कहानी कहे तो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली हुई होगी। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दो इस वीडियो को लाइक। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा हफ्ते में एक ऐसा वीडियो लेके आता रहता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।